दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे शिवा एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दीपावली की रात चुपचाप यहाँ जला दें एक दीपक, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर में। दोस्तों आप में से 99% लोगों को पता नहीं होगा, दीपावली के दिन इस हिस्से में ज्योति जलाने से, दीपक जलाने से धनो व धनवान हो जाते हैं लोग, करोड़पति हो जाते हैं, मालामाल हो जाते हैं। हम भी अपने घर पर इस हिस्से पर दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन दीपक जलाते हैं। आप भी जलाएं और हो जाएं शीघ्र ही धनो धनवान, करोड़पति, मालामाल। दोस्तों 12 नवंबर दिन रविवार को दीपावली पड़ रही है, साक्षात इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। गलती से भी इस दिन को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार के दिन दीपावली का त्यौहार पड़ रहा है। माता लक्ष्मी स्वयं माता लक्ष्मी जी धरती लोक पर चली आती हैं खींची, साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है धरती लोक पर इस दिन, और भक्तों की पीड़ाओं को शांत करती हैं, उनके कष्टों को दूर करती हैं, उनकी गरीबी निर्धनता को दूर करती हैं। तो रविवार के दिन दीपावली पड़ रही है और अत्यंत शुभ संयोग की वजह से इस बार आई है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊँगा, जिस जगह में अगर आप दीपावली के दिन जला देते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाती हैं। ना चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देखकर माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। और अगर उस जगह पर आपने दीपक जला दिया दीपावली की रात, तो माँ लक्ष्मी जी को आपके घर आना ही पड़ता है। आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपकी निर्धनता, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, उसे भी दूर करना पड़ता है माता लक्ष्मी को। तो वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ आएगा। देखिए, देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपक दीपदान करने की परंपरा है। तो देखिए, दीपावली के दो दिन पूर्व धन की त्रयोदशी के को शाम को, यानी कि इस पावन पर्व से विशेष रूप से दीपक जलाने की तैयारियां शुरू हो जाती है, जैसे कि धनतेरस से। फिर इसके बाद दीपावली के दिन तो और भी ज़्यादा पूरे घर को हम प्रज्वलित कर देते हैं। तो आप क्या करें, दीपावली की रात्रि को आप एक कोरा दीपक ले लें, इसमें तिल का तेल डाल लें। तिल का तेल नहीं है तो आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। नवीन रुई की बाती रख लें, फिर आपके सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि जैसा हमने कहा कि तिल का तेल हो, या फिर आप चाहें तो मूंगफली का तेल या फिर सरसों का तेल भी आप इसमें डाल सकते हैं। घी अगर है, सामर्थ्य है, तो घी भी जला सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जला सकते हैं। लेकिन आखिर ये दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी आइए इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम दीपक क्यों जलाते हैं दीपावली के दिन, और हमें जलाना भी क्यों चाहिए। और वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा कि आपके घर में गरीबी, जन्मों जन्मों की कंगाली, जन्म जन्मांतर की गरीबी, वह चली जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़ करके अकेला रह गया, और भटकते हुए एक अन्य राजा जिसका नाम था हेमराज, हेमराज के राज्य में पहुंच गया। कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इसी खुशी के अवसर पर हेमराज ने राज्य के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया, साथ हंसराज को कुछ दिन तक वहां ठहरने के लिए रोक लिया। बच्चे की छठी के दिन एक विचित्र घटना घटित हुई। ध्यान से सुना, पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु को जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर एक समझो ऐसा वज्रपात हो गया कि पहाड़ के समान जैसे दुख आ गया हो। सबके सब स्तंभित रह गए, चुप रह गए, मौन रह गए। इस शोकग्रस्त के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को बिल्कुल ही आश्वासन दिलाया, और विचलित ना होने का आश्वासन दिलाया, और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा, और संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी, इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ध्यान से सुनना, तो हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत
किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार को की पालन पोषण व्यवस्था करवाई। इसके बाद इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने ब्राह्मणी से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान यज्ञ मंत्र जाप आदि की व्यवस्था भी करवा दी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता ऐसे तेज थी, उसकी आंखों में उसके चेहरे पर ऐसी तेज थी कि उसकी चर्चा सभी तरफ संसार में फैलने लगी। राजा हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वर की जोड़ी जीवन में किसी को नहीं मिली थी, नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राज कुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। मित्रों, अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था कि राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे कि राजकुमार और राजकुमारी की छवि देख करके यमदूत भी वहां पर आए और विचलित हो उठे। किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार से प्राण लेकर चले उस समय ऐसा हाहाकार मच गया, ऐसा दृश्य वहां हुआ जिससे द्रवित होकर यमराज के जो दूत थे वह भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने यमदूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है? और मन में यह विचार उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए। ध्यान से सुनना तो दर्शकों, यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे और यमराज ने उन्हें संकोच को भाप कर उनके जो संकोच को भाप कर उन्हें उत्साहित किया। उन्हें कहा कि झिझको मत, डरो मत, अगर ऐसा कोई प्रसंग आया है आपके जीवन पर तो निडर होकर यमदूत मुझसे बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुका करके निवेदन किया यमराज से। मृत्यु के देवता यमराज से बोले, ऐसा प्रसंग तो कम ही आता, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते कि उन्होंने देव हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे और इसे लक्ष्य करके ध्यान से सुनना। इसका लक्ष्य करके दूत बोला कि हे नाथ, ध्यान से सुनना कि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिस उपाय से अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए और मृत्यु के देवता यमराज जो है प्राण जब हरने आते हैं तो उनसे बचा जा सके। इस पर यमराज ने कहा कि जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने कहा कि धनतेरस और दीपावली को पूरे दिन का व्रत रखें, यमुना स्नान पर धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करें, यम का पूजा करें और फिर माता लक्ष्मी का दर्शन करें। इसके बाद क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसा करते हैं तो अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। लेकिन यह संभव ना हो तो फिर क्या करें, दीपावली के दिन संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का दीपक, ध्यान से सुनना, यम के नाम पर एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे आकस्मिक मृत्यु से, रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्वयं माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। स्वयं यमराज ने फिर से कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी व्यक्ति अगर दीपावली के दिन यम के नाम से दीपदान करते हैं, जलाते हैं, तो बिल्कुल ही कैसे भी आपके जीवन में अकाल मृत्यु आने वाली हो, बुरा समय आने वाला हो या फिर किसी तरह के कोई भी दोष हो जीवन में, काल सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष हो, पितृ दोष हो, तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी, भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। तो दीपावली पर प्रवेश द्वार पर आप दो दीपक जरूर जलाइएगा, दाएं और बाएं, माता लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए। बिल्कुल ही बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीपावली के दिन आप मुख्य द्वार पर आप दोनों तरफ दाएं बाएं तरफ दीपक जरूर जलाइए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाइए। दीपक जलाने से बहुत ही शुभ होता है। यह भी कहा जाता है कि शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के निमित्त हेतु यदि शमशान में इस दिन दीपदान किया जाए, दक्षिण दिशा यदि पितरों के निमित्त हेतु इस दिन दीपदान किया जाए, तो आपके पितर यदि यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा ने यदि मोक्ष नहीं पाया, तो दीपदान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है और पवित्र हिस्से में जैसे कि लक्ष्मी स्थान, धन स्थान, व्यापार स्थान, आलमारी, तिजोरी और जहां पर पैसे रुपए रखते हैं गल्ले पर, वाहन जहां पर रखते हैं वाहन के स्थान पर, कहा जाता है कि धन व्यापार पेटी के स्थान पर, पूजा स्थान पर, अपने घरों के प्रत्येक स्थान, दरवाजे पर, द्वार पर, आंगन पर, छत पर, कमरे पर, डेहली पर,
दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी और खींची चली आती हैं और इतना अपार धन आपके जीवन में बरसाती कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दीपावली के दिन आपको यानी कि अपने घर के प्रत्येक हिस्से को प्रकाशित कर देना है, प्रत्येक हिस्से को यानी कि दीपक से जगमगा देना है, जिससे माता लक्ष्मी दौड़ी चले जाए और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बरसे। तो दोस्तों, अगर आप धन के स्थान पर रखेंगे तो कभी धन खत्म नहीं होगा, पूजा स्थान पर रखेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। दीपक आप शाम के समय यानी कि जिस शुभ मुहूर्त पर हमने जो बताया है उसी मुहूर्त पर आप पूरे घर में दीपक जलाइए। दीपक जलाकर आप चाहें तो दीपक में दो लौंग डाल दें तो माता लक्ष्मी और बहुत प्रसन्न हो जाती है, माता लक्ष्मी कृपा जरूर बरसती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप दीपक जलाइए, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी शुरू करिए, उनको प्रसन्न करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। दोस्तों, अगर ये खास जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।